तो अब अपन सेकेंड लेयर जो है लैंड करते हैं, तो खाली कॉटन लो, ठीक है, जो फोरहेड वाला पोर्शन है उससे स्टार्ट करते हैं, जो बड़े एरिया है जैसे फोरहेड हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, उसमें राइट साइड वाले अपन नहीं करते, ठीक है। ये लो, धीरे धीरे सर्कुलर चलाना स्टार्ट कर दो स्मूथली। एक बात ध्यान रखना, मैंने बैकग्राउंड करा के करके बताया है, कॉटन से बैकग्राउंड में अगर पैचेस आ रहे थे तो उससे सीखो कि क्यों क्यों आ रहे थे, ठीक है। इसमें बहुत स्मूथली स्मूथली करते जाओ ऐसे, ठीक है, धीरे धीरे ऐसे सर्कुलर चलाते जाओ, ठीक है। पूरा एकदम करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा कर दो, बाकी अपन ब्रश के साथ भी कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे करो, आराम आराम से सर्कुलर चलाओ, धीरे धीरे सर्कुलर चलाते जाओ, ठीक नोज पे हल्का हल्का। देखो नोज पे क्या है, पतला सा एक टिप बनाना, और बहुत लाइटली लाइटली नोज पे इस तरीके से चलाना। नोज पे बहुत ज्यादा एकदम घुसने की जरूरत नहीं है, पूरी एकदम नोज फिल करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से अपन ने जो इतना कॉटन से करना था कॉटन से कर लिया है, अब वही सेम चीज अपन को ब्रश से करनी, ताकि जो बचा कुचा एरिया है जहाँ पे कॉटन नहीं जा पाया, जैसे आईज के ऊपर हो गया, यहाँ हो गया, थोड़े हाईलाइट वाला पोर्शन हो गया, वहाँ ब्रश चलाया। ब्रश अपन इस तरीके से चलाओ ओवल शेप में और पूरा चेहरा कर दो। तो इस तरीके से अपनी सेकेंड लेयर भी ब्लेंड हो जाती है। इतना करो, उसके बाद फिर अपन ये नेक वाला पोर्शन HP और 2B की लेयर देनी है, ताकि वो इसके साथ आ जाए, फिर अपन में इसमें और डेप्थ डालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपन को नेक करना है, तो अब मैंने ये जो हल्के हल्के ऐसे ड्रॉ करे थे ना, जो इनके आसपास जैसे देख सकते हो, यहाँ थोड़ा हाईलाइट छूटा हुआ है, थोड़ा एक ट्राइंगल शेप यहाँ छूटा है, थोड़ा एक ट्राइंगल शेप यहाँ छूटा है, थोड़ा यहाँ, तो हल्का हल्का छोड़ के चलो और नेक का एक ही डायरेक्शन पकड़ लो, ठीक है। जैसे मैं वर्टिकल अगर पकड़ लूँ तो वर्टिकल डायरेक्शन में शेड कर देता हूँ, ठीक है। तो हल्का जैसे मैं नीचे वाले में बता देता हूँ, जैसे ये हाईलाइट है, ये ट्राइंगल शेप में है, मैंने इतना सा ये यहाँ छोड़ दिया ट्राइंगल शेप में, ठीक है। फिर मैं आगे स्मूथ शेडिंग करनी है, स्मूथ शेडिंग करते करते मैं आगे बढ़ा, मुझे दिखा हल्का सा हाईलाइट यहाँ पे, हल्का सा, बहुत हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हल्का सा मैंने एरिया यहाँ छोड़ दिया। ब्लेंड करने पे हल्का हल्का आएगा, बस एक बात ध्यान रखना, हर लेयर पे आएगा, तो हर लेयर पे ये हल्का हल्का दिखेगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि ये थोड़ा अपन को दिख रहा है, तो एक बार इसकी हल्की सी मैंने ऐसे आउटलाइन सी शेड करते हुए बनाई, तो गलती क्या करोगे, उसे ड्रॉ कर दोगे आउटलाइन, नहीं आउटलाइन भी शेड करते हुए होना चाहिए, ठीक है। तो ये हिस्सा छोड़ा मैंने, मैं आगे बढ़ गया, चेहरे पे नहीं आना चाहिए तुम्हारी पेंसिल, चेहरे पे अगर पेंसिल आती है तो गड़बड़ होने लगेगा। थोड़ा थोड़ा देखो यहाँ पे है, यहाँ शेड किया मैंने पूरा, और फिर आप देखो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे हुआ ये थोड़ा सा ट्राइंगल शेप दिख रहा है लंबा सा, तो हल्का हल्का यहाँ छोड़ दो, और ये
इस तरीके से हल्का सा यहाँ पे है, थोड़ा यहाँ कॉलर बोन के ऊपर किया अपन ने, जितना स्मूथली हो सकता उतना स्मूथली करो, हल्का हल्का यहाँ किया, थोड़ा थोड़ा ही छोड़ना है यहाँ पे, देख सकते हो थोड़ा रफली से छूटा हुआ है, इसी तरीके से तुम लोग को भी रफली रफली छोड़ना है हल्का सा, ठीक है। इस तरीके से छूट गया, देख सकते हो हाईलाइट्स आ गए। अब ये नीचे वाले रीजन पे करना है, तो नीचे वाले रीजन में ऐसे है नहीं बहुत, ठीक है, नीचे वाला रीजन ऐसे पूरा भर सकते हो, जो अपन और डेप्थ डालेंगे उसमें करेंगे अपन डार्क टू लाइट वाला ग्रेडियंट, ठीक है, रहता ना कि 4B से 2B, 2B से HP वाला वो करेंगे। पहले इस तरीके से शेड कर रहे, देखो स्मूथली करना, कोई भी रफ पार्ट नहीं छूटना चाहिए, और इस तरीके से अपनी फर्स्ट लेयर हो जाती है। इतना शेड करो, उसके बाद अपन ब्लेंड करते हैं। ब्लेंडिंग स्टार्ट करते हैं अपन, ब्लेंडिंग ब्रश से करो या कॉटन से करो, बस ध्यान रखना स्मूथ होनी चाहिए। तो पहले अपनी काम करते हैं, हल्का सा कॉटन से फेर लेते हैं ताकि वो स्मूथ हो जाए, कॉटन को ऐसे टिप जो है पतली सी कर लेना ताकि छोटे एरिया में हो जाए अपना, जो अपन ने एरिया छोड़ा है ना उस पर मत ले जाओ कॉटन, अभी पूरा कॉटन उसे फिल कर देगा वो ब्रश से करना। कॉटन हल्का हल्का चला दो इस पे ताकि एक अच्छी खासी थोड़ी स्मूथ ब्लेंडिंग आ जाए। नीचे वाले पोर्शन में पूरे में कॉटन चिपका सकते हो इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। अब ब्रश लो, ब्रश अपना वही पूरे में ऊपर से नीचे से वर्टिकल चलाना स्टार्ट कर, हल्का हल्का इसमें जा रहा है, कोई परेशानी नहीं है, अपन को इतनी चाहिए ना, ठीक है, इसमें आराम आराम से ब्रश से करो, और ये तुम्हारा नेक फर्स्ट लेयर वही ब्लेंड होगा बड़े आराम से। इसके बाद अपन को करनी है 2B पेंसिल, ना कर लो तो 2B अपन नॉर्मली कर रहे हैं, ठीक है, बीच तक तो लाना ही है डार्क, यहाँ तक रहेगा अपना 2B डार्क, ठीक है, इस वाले पोर्शन, लेकिन अब इसके राइट साइड जो थोड़ा लाइट होगा, लेफ्ट साइड नॉर्मल जैसे 2B यूज करते हैं, राइट साइड अपन 2B को थोड़ा लाइट यूज करते हैं, यहाँ जहाँ जहाँ थोड़ा डार्क लग रहा है इस ट्राइंगल के आसपास अपन का डार्क दिख रहा है, तो अपन उसके आसपास थोड़ा डार्क बने, कॉटन से हो गया है, ब्रश से अब वर्टिकली करते जाओ, ये थोड़ी स्पेस थी वो भी फिल होती जाएगी, ठीक है।
स्मूथ करने के लिए कॉटन यूज कर लो, ठीक है, हल्का हल्का आराम आराम से, ठीक है। फिर इसके बाद बस एक चीज करो, आउटलाइन जो थोड़ी थोड़ी फेड हो गई थी यहाँ की, वो करो, यहाँ पे जो थोड़ी फेड हो गई थी ये करो, थोड़ा चेहरे के नीचे वाली कर लो, जॉ लाइन जो अपनी आ रही, और इसमें अपनी सेकंड लेयर नेक की भी ब्लेंड हो जाती है, तो आप देख सकते हो चेहरे के साथ रेजोनेंस में आ रही है, अभी एक जैसी लग रही है, ओके, इतना कर लो। अब हैंड वाला रीजन रखते हो, हैंड वाला रीजन देखो, ये पर्टिकुलर जो रीजन है ऐसे थोड़ा डार्क सा दिख रहा, ऊपर ऊपर की लाइनिंग दिख रही है, वही कर लो। तो अपन क्या करेंगे, ऊपर डार्क टू लाइट एच भी यहाँ रखना, तो फिर भी क्या करेंगे, डार्क टू लाइट ऐसे धीरे धीरे नीचे की तरफ ना, यहाँ पे डार्क टू लाइट लेते हुए आए, फिर बीच वाले एरिया में थोड़ा ऐसे डार्क टू लाइट लेते हुए आए, यहाँ ऊपर भी ऐसे थोड़ा डार्क टू लाइट, नीचे वाले रीजन में थोड़ा डार्क टू लाइट ऊपर हल्का सा ही ले गए, और फिर यहाँ ये जो कर्व आ रहा है ये ज्यादा डार्क है, तो यहाँ से तुम्हें हल्का सा इतना एरिया शेड करके ऐसे ले जाना है, ठीक है। ये फोर भी रहेगा, ऊपर वाला तो सब मूवी में काम हो जाएगा अपना, लेकिन ये फोर भी रहेगा। तो अभी जरा हल्का सा अपन टू बी करते हैं, फोर बी के लिए जब अपन पूरे चेहरे में फोर बी करेंगे तब आएगी, ठीक है। तो इसे अब क्या करो, इसे हल्के से कॉटन लो पतला सा, और इस तरीके से ब्लेंड करना स्टार्ट करो कॉटन से, ठीक है, कॉटन से ब्लेंड करना स्टार्ट करो, पीछे से नीचे से ऊपर, तो बीच में हाईलाइट है वो बहुत ज्यादा ऐसे फिल मत कर देना, हल्का सा हाईलाइट होना चाहिए, यहाँ पे शाइन आ रही है वो हल्की हल्की आनी चाहिए। इस तरीके से ब्रश चलाते रहो, देखो ब्रश एक जगह पे ऐसे घिसना नहीं है, उस जगह क्या होता है स्मजेस आ जाते हैं, लंबे में चलाओगे तो पूरे में फैलेगा, बहुत स्मूथ इफेक्ट आएगा, जितना ज्यादा ब्रश चलाते हो उतना ज्यादा स्मूथ आता है, अपना हाथ देखो आने लगा अच्छा इफेक्ट। इसके बाद एक काम और करते हैं, साथ साथ में फोर बी कर ही दे रहे हैं, ये हिस्सा जो फोर बी का दिख रहा है इतना, ये बालों के ऊपर वाला, ये ऐसे नीचे की तरफ, तो ये फोर बी से शेड कर दो, ठीक है, आराम आराम से ये फोर बी से शेड कर दो, और ऐसे भी अपने कॉटन की मदद से ब्लेंड करो। थोड़ा बालों वाले एरिया में जा रहा है, कोई परेशानी नहीं है, बस बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, बालों वाले एरिया में चलते हैं क्योंकि वहां पे और डार्क बाल आएंगे। इस तरीके से इस पर फिर हल्का हल्का ब्रश चला ताकि और स्मूथ हो जाए, तो ये अपना हाथ का काम तो पूरा हो जाता है, ठीक है, हाथ का काम पूरा हो जाता है। अब अपने चेहरे में अपन को फूल भी क्लियर, और ये कान वाला पोर्शन करना बचता है, तो लेफ्ट, इसके बाद थोड़ा राइट वाला जो ईयर है कॉटन में हल्का सा तुम्हारा वो बचा होगा, तो हल्का सा कॉटन में जो ग्रेफाइट है उससे ईयर फिल कर लो इस तरीके से, लेफ्ट वाला और राइट वाला, ठीक है, इस तरीके से करो, स्मूथ हो जाना चाहिए, इतना करो। सेकेंड लेयर हो गई है, थर्ड लेयर करने में अभी टाइम लगेगा अपन को, क्योंकि अपन को पूरी एक क्लास चाहिए पड़ेगी, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है, बाकी जो अपन को 4B की सेकेंड लेयर करनी है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चेहरा और गर्दन होने के बाद अपन ये करेंगे, इसकी शर्ट और फिर बाल करेंगे, ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है।